हेलो गाइस, होप सब सभी लोग ठीक होंगे एंड मजे में होंगे। आज आया है मेरे पास नया पार्सल जो कि है क्लॉकवर्क की तरफ से। ये नया एक हैकिंग डिवाइस मैंने मंगाया है, क्लॉकवर्क की तरफ से आता है एंड अल्टीमेट बीस्ट चीज है ये। एक तरीके से अपना फ्लिपर जीरो को फेल कर देगा। एक बहुत अच्छा किट में आता है ये एंड जल्दी से मैं ये वीडियो शुरू करता हूँ और आपको दिखाता हूँ इसमें मुझे किट में क्या क्या रिसीव हुआ है, कैसे कैसे इसको असेंबल करना है। एंड असेंबली की वीडियो जो है वो नेक्स्ट वीडियो होगी, बट इसमें आपको दिखाता हूँ इस किट में क्या क्या मिलता है एंड फुल फ्लेज्ड हैकिंग की तरह आप इसको कैसे यूज कर सकते हो। बहुत मजेदार होने वाली है वीडियो, तो चलो वीडियो शुरू करते सीधा। तो कुछ इस तरीके का बॉक्स दिखता है, आगे कुछ शिपिंग डिटेल्स वगैरह है, पीछे एक साइड प्लेन है एंड यहाँ पे क्लॉकवर्क की पेंडिंग है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं, इसको मैं अनबॉक्स करता हूँ, आपको दिखाता हूँ चीजें क्या क्या मिलती है इसके अंदर एंड क्या क्या इसमें मिलता है एंड कैसे कैसे इसको असेंबल वगैरह करना है। जल्दी से अनबॉक्स करते हैं एंड आपको दिखाते हैं अंदर क्या है। तो अंदर लिखा हुआ है, एक और बॉक्स मिलता है अंदर, क्लॉकवर्क लिखा हुआ है इस पे। ये है क्लॉकवर्क यू कंसोल, द अल्टीमेट थिंग मेरे पास आ चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हो क्लॉकवर्क यू कंसोल लिखा हुआ है, अ रियल फैंटेसी कंसोल। सच्ची में हैंड हेल्ड कंप्यूटर है ये फुल फ्लेज्ड, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल ऐसा ही है, हैंड हेल्ड कंप्यूटर है। काफी वीडियोस भी है इसकी यूट्यूब पे आपने अगर देखी हो तो, बट बहुत 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 खतरनाक चीज है ये। अभी मैं आपको जल्दी से वीडियो में बताता हूँ। पीछे कुछ नहीं लिखा हुआ है, ओपन सोर्स हार्डवेयर वगैरह लिखा हुआ है यहाँ पे, कुछ डिटेल्स है। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली वीडियो काफी लंबी हो जाती है तो इस वीडियो में मैं आपको असेंबल करके नहीं दिखाने वाला हूँ। जल्दी से इसको करते हैं ओपन, यहाँ से ओपन का है, इसको बहुत हार्ड है। हाँ, यू कंसोल किट लिखी हुई है यहाँ पे, CM4 से आपको कुछ याद आ रहा होगा, CM4 4GB लिखा हुआ है। चलो फिर जल्दी से खोलते हैं, आपको दिखाता हूँ क्या क्या इसमें चीजें मिली है। वाओ, हाँ जी, तो यहाँ पे असेंबली गाइड लिखी हुई है, असेंबली गाइड गाइडलाइंस में है, एक ये मिल जाता है। नीचे खोलते हैं बॉक्स को, तो रखते हैं साइड में। यहाँ पे आपको मेन चीज दिख रही होगी, इसका फ्रंट पैनल है एंड ये एल्यूमिनियम का है। देखो ये मैं कोर की मदद से, आवाज सुनो आप, एल्यूमिनियम रहने वाला है ये, फुल अच्छी बिल्ड है इसकी। तो साइड में रखता हूँ मैं और अंदर जाता हूँ तो यहाँ पे थर्मल पैड मिल जाता है हीट सिंक कूलिंग के लिए, मतलब हीट निकालने के लिए। और अंदर जाते हैं तो यहाँ पे एक मिल जाता है इसका मिडल केस, इसका फ्रेम, इसका जो ये फ्रेम रहने वाला है, ये फ्रेम है एंड ये भी देखो आवाज सुनना मेटल का है, तो ये भी मेटल का रहने वाला है, एल्यूमिनियम रहेगा ये भी। उसके नीचे इसके स्क्रूज मिल जाते हैं। नेक्स्ट जो चलते हैं यहाँ पे, हाँ ये इसका रहने वाला बैक कवर, इसका जो बैक केस है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है यू कंसोल, क्लॉकवर्क यू कंसोल, ओपन सोर्स हार्डवेयर, ओपन डिजाइन एंड हाईली हैकेबल। हाईली हैकेबल ये वही जीमा बोर्ड वाला है। हाईली हैकेबल का मतलब है इसमें मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स का सपोर्ट है, एंड्रॉइड लगा लो, लिनक्स लगा लो, इसमें काली लिनक्स चला सकते हैं, क्योंकि अभी बताता हूँ काली लिनक्स कैसे चलेगा, सरप्राइज रहेगा। चलो नीचे मिल जाता है आपको एक, ये इसका स्टैंड है उसके लिए, इसको रखते हैं साइड में। ऑन द साइड वाली साइड पे आपको मिलता है, मतलब इसकी दूसरी वाली साइड पे मिलता है आपको, यहाँ पे एक QWERTY कीबोर्ड मिल जाता है एंड उसके नीचे इसका PCB पैनल मिलता है। ये कुछ पैनल इस तरीके से दिखता है, QWERTY कीबोर्ड रहने वाला है ये। नेक्स्ट जो चीज मिलेगी आपको यहाँ पे मिल जाएगी इसकी स्क्रीन, ये है एक 5 इंच की LCD डिस्प्ले है ये, 720p इसकी रेजोल्यूशन वगैरह रहने वाला है एंड इसको रखते हैं इस साइड पे, थोड़ा सा फ्रेजाइल चीज है तो ज्यादा पे लोड नहीं डालते। ऑन द नेक्स्ट साइड यहाँ पे मिल जाएगा आपको एंटीना, अपना वाईफाई ब्लूटूथ का एंटीना, ये वाला एंटीना जो रहने वाला, एक और एंटीना है यहाँ पे, ये वाला एंटीना है अपना 4G सिम के लिए एंटीना रहने वाला है। इस वाले पार्टीशन को हटाता हूँ और नीचे देखते हैं, नीचे आपको सारा मेन हार्डवेयर मिल जाने वाला है, कि ये सारा ये हार्डवेयर रहने वाला है। चलो इसमें आपको बता रहा था ना मैं काली लिनक्स कैसे सपोर्ट करेगा, तो चलो दिखाता हूँ आपको काली लिनक्स कैसे सपोर्ट। इसमें आपको मिल जाता है रास्पबेरी पाई का CM4 मॉड्यूल मिलेगा इसमें, ये CM4 मॉड्यूल के ऊपर ये काम करता है, तो आप इसमें काली लिनक्स चला सकते हो, एंड्रॉइड चला सकते हो, रेट्रो पाई चला सकते हो एंड मतलब जितनी भी रास्पबेरी पाई के ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं वो सब इसपे चल जाने वाले हैं। ये बहुत अच्छी चीज लगी मुझे इनकी, कि इन्होंने एक अच्छा हार्डवेयर चूज किया है रास्पबेरी पाई का।
अंदर नेक्स्ट साइड इसके नीचे की साइड चलते हैं, यहाँ पे इसका माउंट मिल जाएगा, ये इस पे फिट होने वाला है। फिर इसके ये वाली साइड पे चलते हैं, ये क्या है, ये क्या चीज है, ओके हाँ, ये 1865 बैटरी को सपोर्ट करता है, दो बैटरीज डलेगी इसमें 1865 वाली, कितने भी एमएच के आप ले सकते हो, 1300 एमएच की आती है, 2000 एमएच की आती है, 4000 एमएच की आती है, 5000 एमएच की आती है, अलग अलग साइजेस में आती है 1865 बैटरीज। तो उसका ये होल्डर है, और इसकी एक ही खास बात मुझे अच्छी लगी कि बैटरी ऑपरेटेड है, इसमें आपको कोई अलग से वो लगाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई अडैप्टर लेके चलने की जरूरत नहीं है, आप ऑन द गो ट्रैवलिंग करते टाइम भी इसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट जो है ये है मेन पीसीबी इसकी, ये रहने वाली है मेन पीसीबी, और पीसीबी के ऊपर अपना CM4 इसके ऊपर लग के, एंड देन फिर इसके ऊपर वो CM4 अटैच होगा, मतलब ऐसा कुछ रहने वाला है। ये मेन पीसीबी रहने वाली है, यहाँ पे आपको एक यूएसबी 2.0, अपना यूएसबी टाइप सी, माइक्रो HDMI, ऑक्स का पोर्ट, ऑन द नेक्स्ट साइड यहाँ पे एक ये कनेक्ट करने के लिए, ये अभी मैं बताता हूँ ये चीज क्या है, ऑन द बैक साइड यहाँ पे यहाँ ये अपना मेमोरी कार्ड लगाने के लिए स्लॉट मिल जाता है, इसको रखते हैं वापस अपनी जगह पे। एंड आपको दूसरी और चीज दिखाता हूँ, ये क्या है, ये है सेल्यूलर मॉड्यूल, ये 4G आउट ऑफ द बॉक्स सपोर्ट करता है, इसमें दो वेरिएंट्स आते हैं, वाईफाई ओनली एंड वाईफाई प्लस सेल्यूलर 4G। जो अभी मेरे पास है वो सेल्यूलर 4G वाला है, सेल्यूलर भी इसमें, आप इसमें सिम कार्ड लगा सकते हैं, यहाँ पे सिम कार्ड की स्लॉट है, यहाँ पे एक ऑक्स का पोर्ट है, एंड इसमें सिम कार्ड सपोर्ट करता है। बाकी आप इसका नॉन सेल्यूलर वर्जन भी ले सकते हो जो कि वाईफाई ओनली वाला है, वाईफाई ओनली में आपको पीसी भी तो मिलेगी, बट इसके ऊपर जो कॉम्पोनेंट्स लगे हुए हैं ये सारे कॉम्पोनेंट्स वो इस पे अटैच नहीं होंगे, सिर्फ आपको वो पीसी भी मिलेगी अगर आप इसका वाईफाई ओनली वाला वेरिएंट लेते हैं तो। ऑन द नेक्स्ट साइड यहाँ पे आपको एक एलएन की मिल जाएगी, एलएन की के बाद यहाँ पे एक इसका ट्रैक बॉल मिल जाएगा, ये बॉल रहने वाली है, ट्रैक बॉल है। मैंने आपको लिली को टी डेक जो दिखाया था उसमें भी ऐसी ही बॉल थी ट्रैक करने के लिए, ये माउस ट्रैकिंग के काम आने वाली है। ऑन द नेक्स्ट साइड यहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिलता है 32GB की स्टोरेज, इसमें अपना जो रेसबेरी पाई का रेसबियन OS है ऑलरेडी इंस्टॉल्ड मिलेगा, आपको अलग से कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है, आप एक बार में किट खरीदो एंड आपका काम हो गया। दो स्पीकर्स मिलने वाले, स्पीकर्स की क्वालिटी मैं अभी जो आगे वीडियोस आने वाली है उसमें आपको टेस्ट करके दिखा दूंगा। ये शील्ड रहने वाली है, ये जो अपना केस था, केस में एक्सपेंशन पोर्ट, ये इनके एक्सपेंशन पोर्ट्स अलग से किट आती है इनकी, वो एक्सपेंशन पोर्ट्स वगैरह उसमें GPIO हो गए, मतलब अलग अलग वो एक्सपेंशन वगैरह के लिए यूज होती है, वो मैंने अभी नहीं मंगाई। तो ये वाली जो शील्ड है वो यहाँ पे लगने वाली है इसको ब्लॉक करने के लिए, क्योंकि हमें कोई एक्सपेंशन पोर्ट यूज नहीं करेंगे, हम बिना एक्सपेंशन पोर्ट के यूज करेंगे तो ये शील्ड यहाँ पे लगेगी। तो ये शील्ड रहने वाली है, एंड ये एक बटन मिल जाएगा, बटन भी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे बटन का स्लॉट है, तो बटन वहाँ पे बटन की जगह पे जाएगा। तो ओवरऑल किट में ये सब मिलने वाला है, एक बार आपको असेंबली गाइड ये दिखा देता हूँ, असेंबली गाइड में लिखा हुआ डोंट पैनिक, पैनिक नहीं होना है, बहुत इजी बिल्ड रहने वाला है, कोई ज्यादा कोई मास्टर्स करने की जरूरत नहीं है इसमें, बहुत इजी बिल्ड है। एंड देखो चीजें इसमें सारी लिखी हुई है, कैसे आपको सारी चीजें माउंट करनी है, कैसे चीजें लगानी है इस पे, यहाँ पे देखो ये लगा रखा है रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर एंड इंसर्ट द सिम वगैरह, ये 4G एंटीना वगैरह है इसमें, एंड ये सब इसमें रहने वाला है। होप सो ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ये सारे आपको कैसे लगे मुझे कमेंट में जरूर बता देना। और जो CM4 के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ, 4G जैसे 4G लिखा होता है, 4GB रैम वाला है वेरियंट है, वाईफाई ब्लूटूथ इसमें इनबिल्ट मिल जाता है, एंड 1.5 GHz का आई गेस ये प्रोसेसर होता है। CM4 जो अपना रेसबेरी पाई 4 आता है वही एग्जैक्ट सेम प्रोसेसर है, तो बिल्कुल सेम परफॉर्मेंस मिलने वाली है रेसबेरी पाई 4 वाली, तो परफॉर्मेंस में तो कोई कमी है नहीं इस बोर्ड में। 1.5 GHz पे क्वाड कोर प्रोसेसर है ये बेसिकली, एंड देखो चीज तो बहुत बढ़िया लगी मुझे, किट बहुत अच्छा है, काली लिनक्स चला सकते हैं इस पे, आपने देखा होगा काली लिनक्स भी इसमें, मैं आपको टेस्ट करके जरूर दिखाने वाला हूँ आगे की वीडियोस में, काली लिनक्स चल जाएगी इस पे, एंड बहुत सारे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते हैं, लाइनेज OS हो गया, पैरेट OS हो गया, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे चलने वाले हैं। सो इसकी जो अगली वीडियो होगी इसमें जल्दी से मैं आपको ये असेंबल करके भी दिखाऊंगा, असेंबल करेंगे साथ में। एंड चलो फिर इस वीडियो के लिए यहीं तक रखते हैं ऑलरेडी, क्योंकि वीडियोस बहुत लंबी हो जाती है, आप लोग भी देखना प्रेफर नहीं करते हो ये लंबी वीडियोस, तो वीडियो को रखेंगे शॉर्ट, और इसी अगली वीडियो में जल्दी से इसको असेंबल करेंगे। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मजा आया होगा। चलो फिर इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, वीडियो में डोंट फॉरगेट टू ये कोर, अगर आपको कोर खरीदना है तो मेरे इंस्टा पे जाके मैसेज करो, ओनली 350 रुपीज का अभी करंटली प्राइस चल रहा है इसका, वहां से आप खरीद सकते हो, रियल इंटेल का CPU रहने वाला है ये, एंड काफी कूल दिखता है, ये आप खरीद सकते हो, मेरे इंस्टा में DM करना, वहां से मैं आपको इसको ऑल इंडिया डिलीवरी है 350 रुपीज में ही मैं आपको करवा दूंगा।
डिलीवरी के साथ 350 रुपीज में आपको मिल जाएगा। कोर रियल सीपीयू है, अच्छा खासा वजन है 30-40 ग्राम का। चलो फिर इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो कैसे लगे मुझे कमेंट में जरूर बता देना, क्या क्या इंप्रूवमेंट वगैरह वीडियोस में हो सकती है मुझे ये भी बता देना। चलो फिर यहीं तक वीडियो को रखते हैं, मिलेंगे अगली किसी मजेदार सी वीडियो में।